एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकर एक रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, उनके दिल में आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस रखते हैं वो आपके लिए, हम ये सब जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। मेरे पास यहाँ पे दो डेक्स हैं, डेक वन डेक टू। आप जो भी डेक चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और अगर आप पेपाल से पेमेंट कर सकते हो या फिर इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो कि कौन कौन सी रीडिंग्स कितने चार्जेस पे अवेलेबल है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग डेक नंबर वन से। देखते हैं कि जिन लोगों ने डेक वन चूज़ किया है, उनका जो भी पर्सन है उनके माइंड में, वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, रिमाइंड करवाऊँगी कि आपको अपने माइंड में उस इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। अगर आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, तो आप एक के लिए डेक वन और एक के लिए डेक टू चूज़ कर सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी इस रीडिंग को चेक करोगे तो आई होप उस टाइम एंड फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोकस ऑन द पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, उनकी करवान फीलिंग्स क्या हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। एक और दफा शफल करेंगे एंड देन वी आर रेडी टू गो। क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके बारे में। लेट्स बिगिन। Queen of Cups, the Magician, Four of Pentacles, King of Pentacles. Underneath the deck, Three of Swords. वो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। आंसर इज अ बिग यस। लेकिन अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक, वो आपको मिस भी करते हैं और उनको पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। चाहे आपने एक्सप्रेस किया है कभी ओपनली या नहीं किया, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप कर चुके हो। अगर नहीं भी किया तब भी उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो स्टिल अपने आप को आपसे बात करने से रोकते हैं, आपको कमिट करने से रोकते हैं। वो फिर भी अपने आप को खुद को आपसे दूर रखते हैं। रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो दो रीज़न हैं। एक उनका काम, दूसरा उनका फियर ऑफ कमिटमेंट। मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को आपसे दूर रखते हैं। या तो उनका काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनका मतलब जॉब ऐसी है, बिजनेस ऐसा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, इसलिए वो अपने आप को आपसे दूर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इवन दो कि वो जानते हैं आप उनको कितना प्यार करते हो, आप उनको खुश रखोगे हमेशा, स्टिल वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अपने पास रखते हैं और आपसे शेयर नहीं करते। लेकिन ये कनेक्शन जो आपका इस इंसान के साथ है, जो भी जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, ये बहुत ही एक मैजिकल बॉन्ड है। चाहे आप दोनों दूर रहते हो, चाहे आप दोनों पास रहते हो, चाहे आप दोनों बात करते हो या नहीं करते, एक जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है आप दोनों का कि आप चाहो भी तो ब्रेक नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक दो दफ़ा इनसे ब्रेकअप कर चुके हो और कोशिश कर चुके हो कि आप इनसे दूर हो जाओ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका लॉन्ग पीरियड के लिए। कुछ टाइम आपने शायद सेपरेट गुजारा होगा, कुछ टाइम में एक साल भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आप दोनों वापस आए हमेशा, ऐसा मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में। क्योंकि जो आपके पर्सन की जो बेसिकली एनर्जी है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप बहुत शायद सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव ये भी है, लेकिन ये और तरह के सेंसिटिव हैं, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि जो आपकी एनर्जीज हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन, इट्स मोर लाइक कि आप इतने सेंसिटिव हो और इतने इमोशनल हो इस इंसान को लेकर कि आपसे कंट्रोल नहीं होते इमोशंस। जहाँ पे इनकी बात आती है, तो ये एक ऐसा इंसान है जो कि सेंसिटिव है, लेकिन वो अपने आप को इसीलिए दूर रख रहा है या रख रही है क्योंकि उसको पता है कि वो अगर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ तो उनसे दूरी बनाए रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए वो आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करते होंगे, ना ही वो आपसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी शो नहीं करते होंगे, जबकि वो एग्जिस्ट करती है।
ये इंसान आपको ज़रूर मिस करता है, इसकी स्ट्रांग फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन इन्होंने अपने आप को आपसे दूर करके ख़ुद को काम में बिज़ी रखा हुआ है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी रखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा डिटैच रहते हैं, इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमिटमेंट का फियर है। कमिटमेंट का फियर इस लेवल का है कि जहाँ पे उनको जब रियलाइजेशन होगी कि इनको अब अपनी लव लाइफ में कोई चाहिए, तो वो आपके बारे में सोचेंगे। जब तक उनके लिए वो एक लाइफ का फेज़ नहीं आ जाता जहाँ पे वो रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, वो आपके बारे में उस तरह से नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में भी नहीं सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अबाउट यू। इस इंसान के लिए एक इनको लगता है कि अभी ये रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी, सो इसलिए ये अपने आपसे जो है ये दूरी बनाए रखे हुए हैं। लेकिन यस, ये इंसान आपको ज़रूर मिस करता है या करती है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते फॉर श्योर। अनदर डेक 3 of Swords है, उसके नीचे 8 of Wands, उसके नीचे 10 Sun। जब ये आपसे बात करते हैं बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगेन आपको हमेशा ये ऐसी फील देंगे कि शायद ये इंटरेस्टेड ही नहीं है बात में, बात करने में या कम्युनिकेशन रखने में। कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों की होती होगी और बहुत ही लिमिटेड कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है, लेकिन हाँ ये आपको मिस करते हैं। इनको पता है आप इनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन बहुत ही स्टबर्न किस्म के इंसान हैं जिससे भी आप डील कर रहे हो। अब एक कार्ड लेते हैं, जानते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, क्या ये थोड़े इजी होंगे अपने इमोशन शेयर करने को लेकर या नहीं इन नियर फ्यूचर। जजमेंट, द हाई प्रीस्टेस, 4 of Swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने आप को इतना फ्री ही नहीं होने देंगे कि आपके बारे में उस तरह से अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेस कर सकें। इनको जहाँ पे भी जब भी फीलिंग आती है कि आपसे ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, आप इनको देखोगे कि आपसे और दूर होने की कोशिश करेंगे, बिला वजह की बात पे फाइट पिक करेंगे, बिला वजह की बात पे ये और दूर होने की कोशिश करेंगे। सपोज़ आप इनसे अगर एक दफ़ा मिले हो, आप उस टाइम पे फील करोगे कि उसके बाद ये सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, या अगर आप इनसे एक दफ़ा बात करते हो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो साथ में, लेकिन नेक्स्ट डे ही ये बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फियर होने लगता है कि नहीं, मैं इसमें और अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, कर सकती अपना टाइम एनर्जी और ये सब कुछ, तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहने वाला है कुछ टाइम तक। सो यप, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको आंसर मिला हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या इजी पैसे से कर सकते हो, तो मुझे रीच आउट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। देखते हैं जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, और क्या फीलिंग्स हैं उनकी टूवर्ड्स यू, और ये कनेक्शन आगे कैसे मूव होगा। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि आपने उस इंसान के बारे में अपने माइंड में इमेज लाना है, उनकी पिक्चर लानी है, ताकि हम उनकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। उसके अलावा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी इस रीडिंग को चेक करोगे, आई होप उस टाइम एंड फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको इससे हेल्प और गाइडेंस मिले। सो देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में, आगे क्या आने वाला है या होने वाला है। लेट्स सी, क्या वो आपको मिस करते हैं? यस और नो, लेट्स बिगिन। होल्ड ऑन, वी डू हैव 5 of Cups हियर, लवर्स, 8 of Cups, द चैरियट। Ten of Cups, Queen of Wands, एक और कार्ड लेंगे, High Priestess underneath the deck, we do have 2 of Swords. मुझे लगता है कि आपको ये फीलिंग होती है इस इंसान के साथ रहते हुए या फिर इनसे दूर रहते हुए कि ये आपको मिस नहीं करते, ये आपके बारे में नहीं सोचते। अगर ये सोचते होते तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं आप दोनों की लव लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जिस इंसान की एनर्जी लग रही है, मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी खुद की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, उस इंसान की एनर्जीज इतनी नहीं आ रही, क्योंकि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो इस कनेक्शन में, तो इसलिए आपकी एनर्जीज जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, स्ट्रांग है उस इंसान से कंपेरेटिवली, इसलिए वो कार्ड में शो नहीं हो रही। लेकिन एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, सो लेट मी बिगिन दिस वे कि जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, um,
दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एक आप एक तो इनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, हो और होगे रहोगे आगे जब तक आपको चीज़ें इसमें आगे मूव होती हुई नहीं दिख रही। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया, मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी इनसे मूव ऑन कर चुके हो इस कनेक्शन से, या इनको छोड़ के आप एटलीस्ट चूज़ किया है आपने कि आप सिंगल रहो। क्योंकि जो भी ये शख्स है जिसके बारे में आप जान रहे हो, इस इंसान ने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है, इस इंसान ने आपको हमेशा फील कराया है कि इनकी लाइफ में आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा यही फील आया कि ये आपको मिस नहीं करते, ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपको सिर्फ एक लस्टफुल नज़रों से देखते थे, या उस पर्सपेक्टिव से देखते थे जहाँ पे हाँ यू आर गुड इनफ फॉर सेक्स एंड स्टाफ, लेकिन जहाँ पे प्यार इमोशंस की फीलिंग्स की बात आती है ये कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए या नहीं करते थे या करते ही नहीं थे फील आपके बारे में। तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी हद तक इस इंसान से खुद डिटैच हुए हो, बजाय इसके कि इसने आपको छोड़ा हो। मेरे ख्याल से तो अगर अब भी आप इनसे बात करोगे तो ये बहुत खुशी खुशी आपसे बात करेंगे, बहुत खुशी खुशी आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के जोन में रखेंगे, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कुछ इनसे डिमांड करते हो तो ये इंसान आपको वो नहीं देगा। जहाँ तक बात आती है क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, मुझे सीरियसली मुझे जो एक फीलिंग आ रही है इन सारे कार्ड से वो ये है कि आपने अपने माइंड में भी एक इनके बारे में एक इमेज बना लिया है कि ये इंसान आपको ना तो प्यार करता था, ना करता है, ना करेगा फ्यूचर में भी कभी। इसीलिए वो एक आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका है इस इंसान को लेके कि आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते हो इस इंसान को लेकर, क्योंकि आपको लगता है इन्होंने आपको हमेशा डिसअपॉइंट किया, इन्होंने हमेशा किसी और को आपके ऊपर तरजीह दी, प्रेफरेंस दी, और आप हमेशा इनके लिए लीस्ट प्रायोरिटी पे हो। ये आपका माइंडसेट है टुवर्ड्स दिस पर्सन, ऐसा आपको लगता है कि ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि आप हमेशा अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हो जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो सो दैट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग योर रियलिटी। जो आप चाहते हो कि ये आपको मिस करें, प्यार करें, आपको कमिटमेंट दें, आपको मोर देन जस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स से आगे बढ़कर कुछ देखें, तो उसके लिए आप कभी इस तरह से सोच ही नहीं पाते हो। आपको लगता है कि ये इंसान कभी भी आपको वो सब नहीं देगा जो आप चाहते हो या विश करते हो। आप खुद कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा गिव अप कर चुके हो, और आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन कर जाओ, या आप ऑलरेडी कर चुके हो क्योंकि आपको कभी अच्छी फीलिंग ही नहीं आई उनकी तरफ से। तो वो एक रीज़न है जो कि आप अपनी लाइफ में खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी सैडनेस, ऐसा कनेक्शन जो कि आपको कहीं से भी फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहा। जहाँ तक इस इंसान की बात आती है आपको लेकर, मुझे लगता है कि जैसे आप डिसअपॉइंटेड हो इनसे, उसी तरह वो भी आपसे डिसअपॉइंटेड है। क्यों? क्योंकि वो कभी रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, और आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा होना शुरू होगी, जिसकी वजह से अगर वो आपको मिस भी करते हैं तो वो आपको बताएंगे नहीं, आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो आप ज़्यादा अटैच हो जाओगे, एक्सक्यूज़ मी, आप ज़्यादा अटैच हो जाओगे या आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना शुरू हो जाओगे। इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऑप्शन जो है वो ओपन रखा हुआ है किसी और को आने के लिए। एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं है आपका और उस इंसान का। अगर तो वो दिल से एक्सक्लूसिव है भी तो वो आपको बताएंगे नहीं। जैसा कि सपोज़ आप एक रिलेशनशिप में थे इनके साथ जहाँ पे आप सेक्सुअल भी थे और अदरवाइज भी आप लोगों का एक कनेक्शन था इस इंसान के साथ, और अगर अब भी है तो ये काफ़ी इस हद तक है जहाँ पे आप दोनों कमिटेड नहीं हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों काफ़ी हद तक ओपन कनेक्शन में हो जहाँ पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे पड़े भी लेकिन बताएगा या बताएगी नहीं कि उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। इसी तरह आपको आपकी लाइफ में भी सेम सिचुएशन है कि एक कमिटमेंट नहीं है, एक एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप जो होता है वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि जो भी ये पर्सन है वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं है। और ये आपसे, जैसा मैंने कहा, ये आपसे तब तक अच्छे से कांटेक्ट रखेंगे, अच्छे से सारा कुछ होगा जब तक आप शादी कमिटमेंट की बात नहीं करते। जैसे ही आप इस तरह की चीज़ें बीच में लाते हो ये आपसे दूर हो जाएंगे या हो चुके होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आप अगर आप इनसे डिमांड करते हो या विश करते हो कि आप इनके साथ कोई कनेक्शन, एक सॉलिड कनेक्शन जो कि फुलफिलिंग हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, अगर आप वैसा कुछ चाहते हो इस इंसान के साथ, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर एक बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि होगा कि आप अपने आप को बताना शुरू करो कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हो रहा है, ये आपको प्यार करने लग गया है, या इस तरह की चीज़ें। अभी जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली अपोजिट है, आपको बहुत अच्छे से एक बिलीफ बन चुका है कि
ये आपको ना तो प्यार करते थे, ना है, ना ही कभी करेंगे। उस बिलीफ को आपने शैटर करना है, तोड़ना है, ख़त्म करना है, एक नया बिलीव बनाना है। सिर्फ तभी आप इस रिलेशनशिप में वो हासिल कर सकोगे जो आप चाहते हो। राइट नाउ जो सिचुएशन है, आप दोनों बहुत डिसअपॉइंटेड हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप हमेशा उनसे मोर देन फ्रेंड्स चाहते थे, वो आपसे यू नो एक लिमिट की हद तक रिलेशनशिप चाहते थे और हैं। रीज़न शायद वो अपने पास में ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप से गुजर चुके हैं जहाँ पे वो डिसअपॉइंट हुए थे, इसलिए वो लव लाइफ को उस तरह से यू नो चाहे वो दिल में आपके साथ कमिटेड भी हो लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो आपको उनको टाइम देना है टू टू गेट हील्ड, और जब वो हील हो जाएंगे तभी वो आपको कमिटमेंट दे सकेंगे। लेकिन जब तक वो ऐसा टाइम नहीं आता तब तक आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अच्छा या बुरा, क्योंकि ये आपको उतना ही देंगे जितना आप इनको दे रहे हो, बल्कि उससे कम ही देंगे, क्योंकि जो भी इंसान है ये टाइम नहीं लगाएंगे आपसे दूर जाने में। मतलब इनके लिए आपकी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी शायद आपके दिल में इस इंसान की है। अगेन, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो इस इंसान को लेकर, लेकिन इसके दिल में आपकी वो वैल्यू, रिस्पेक्ट, वो चीज़ें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये इमोशनली हमेशा से डिटैच रहे हैं आपसे। आपने शायद कभी फील किया या नहीं किया, लेकिन इन्होंने कभी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं किया इस रिलेशनशिप में। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न, जैसा मैंने कहा, इनके अपने पास्ट रिलेशनशिप जो हो सकते हैं जो कि फेल हुए हों, जिसकी वजह से ऐसा इनका एक नेचर डेवलप हो चुका है। दूसरा रीज़न, आपका खुद का यू नो एक सबकॉन्शियस ब्लॉक बन चुका है इस कनेक्शन को लेके, या अदरवाइज भी आपकी रिलेशनशिप्स को लेके, कि आपको लगता है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता है वो कभी कमिटमेंट नहीं करता, वो कभी यू नो आपको शादी की तरफ लेके नहीं जाएगा। सो आपने यू नो दोनों एंड से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े मेंटल ब्लॉक्स हैं जिनको आप दोनों ने यू नो जिनको रिमूव करने के लिए आप दोनों ने वर्क करना है। अगर तो आप ये वर्क कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, उस इंसान की तरफ से भी आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हमेशा वो अट्रैक्ट करते हो जो आप फील कर रहे हो। सो अगर आप ये अपने आप को बताना शुरू कर दो, एफर्मेशंस बना लो अपने इस कनेक्शन को लेके, और ये अपने आप को बताते रहो बार बार, यू नो रिपीट करते रहो कि ये इंसान आपको प्रपोज कर रहा है, ये इसने आपको प्रपोज किया, ऐसे अगर आप कुछ बोलना शुरू कर दोगे खुद को तो ये चीज़ें आपकी रियलिटी बन जाएंगी। लेकिन अभी जो करंट बिलीव है उसको ब्रेक करना, उसको शैटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो ट्रस्ट मी, आप जो एक्सपेक्ट करते हो इस कनेक्शन में रहते हुए वो आपको नहीं मिलेगा। आपने कहीं ना कहीं, आपको पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और आपने उस गलती को सुधारना है। आप ज़्यादा अटैच हो इस इंसान से एज़ कम्पेयर टू देम, आप ज़्यादा इनको मिस करते हो एज़ कम्पेयर टू देम। अगर आप इनको अभी भी रीच आउट करोगे ये बहुत अच्छे से आपको रिप्लाई बैक करेंगे, लेकिन जहाँ तक कमिटमेंट की बात ना हो दिस पर्सन इज़ ऑल गुड टू टॉक टू यू, लेकिन जहाँ पे आप रिलेशनशिप, कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करोगे आपसे हमेशा दूर हो जाएंगे। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि ये भी आपको उसी तरह मिस करें, बात करें जैसा आप करते हो, तो उसके लिए आपको ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और जो हो रहा है ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। काफ़ी सारे लोगों के लगता है कि नहीं, अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो इसकी वर्थ ही नहीं है रिलेशनशिप की। द थिंग इज़ कि आप हर चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, चाहे नोइंगली या अननोइंगली। तो अभी जो बैड सिचुएशन है वो भी आपने मैनिफेस्ट की हुई है एक बिलीफ बनाकर कि यू नो, क्योंकि शायद आपके पास्ट रिलेशनशिप्स आपके भी बुरे गुजरे हों, इसकी वजह से आपको लगता है कि आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। आप उस माइंडसेट के साथ जब आगे बढ़े, आपने हील किए बगैर जब आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं रहते हो, क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर्स और डाउट रहते हैं। अगर आपको इन्होंने टाइम नहीं दिया स्टार्टिंग में, आपके दिल में एक फियर आ गया कि यू नो पता नहीं यू नो ये मुझे कभी प्यार करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए तो सारी दुनिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिवाय मेरे। सो अगर आपके दिल में ये ऑलरेडी एक बिलीव बना हुआ था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि जिसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप हर रिलेशनशिप में फेल हो, आपको अपने अंदर एक हीलिंग देकर आनी है, अपना आपको हील करना है, तभी आप इस कनेक्शन में भी और नए कनेक्शंस में भी जिनमें आप फ्यूचर में जाओगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। अगर आप अपने आप पर अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते, अगर आप हील नहीं करते खुद को, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे ही आप अपने ऊपर यू नो हीलिंग का काम करोगे, ये इंसान ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप अच्छी चीज़ें, प्यार, फुलफिलिंग रिलेशनशिप डिजर्व करते हो। राइट नाउ दोनों की तरफ से मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग एनर्जी नज़र आ रही है और मुझे नहीं लगता कि जब तक हीलिंग होती है तब तक ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। दो कार्ड्स और लेंगे, देखेंगे कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का क्या, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है um,
वो अगर आपके बारे में सोचते भी हैं तो डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि और इसी तरह आप भी जब उनके बारे में सोचते हो तो डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जो चाहते थे वो एक दूसरे को नहीं दे पाए. वो चाहते थे कि एक लिमिटेड रिलेशनशिप रहे जिसमें प्यार इमोशंस यू नो नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला हिसाब रहे, लेकिन आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं हुई. आप क्योंकि चाहते थे कि कहीं ना कहीं आप उसके थ्रू ही इनके दिल में घर बना सको, वो हो नहीं पाया. सो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन फ्यूचर क्या है आप दोनों के लिए, लेट्स फाइंड आउट. अगर तो आप हीलिंग कर जाते हो तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों हैप्पी रह सकते हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं यू बोथ नीड हीलिंग. पास्ट रिलेशनशिप्स से निकल कर और अपने ऊपर काम करके, अपने फियर्स और डाउट्स को एक्सक्लूड करके अपनी लाइफ से आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो इस इंसान के साथ या किसी भी इंसान के साथ. लेट्स सी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है. टेन ऑफ वांड्स, डेथ, द व्हील ऑफ फॉर्चून. अंडरनीथ द डेक यू हैव डेविल. एडिक्शंस, फियर्स, सारा कुछ अगर आप रिमूव कर पाते हो, अपने आप को हील कर पाते हो, पास्ट को पास्ट में छोड़ के अपने आप को एक यू नो ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, सिर्फ तभी आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ आपका एक फ्यूचर दिख रहा है मुझे. अदरवाइज देर इज़ नो फ्यूचर बिटवीन द टू ऑफ यू. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको आंसर मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. अगर आपको मेरे से एफर्मेशंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके रीच आउट कर सकते हो उसके लिए भी, लेकिन सारी सर्विसेज पेड हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स चेक करके फिर सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो इफ़ यू आर रेडी टू पे. सो ये थी आपकी रीडिंग. पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए, डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर, बाय बाय.